Hello students and all the viewers, hope you are fine. Start करते हैं आज के lecture को. Chapter number 4 में start करने जा रहा हूँ. Chapter number 4 का जो नाम है that is motion in two dimensions, है ना. तो सबसे पहले काम ये करते हैं, थोड़ा सा introduction लेते हैं कि motion in one dimension क्या होता है, motion in two dimensions क्या होता है, motion in three dimensions क्या होता है. बहुत आसान सा फर्क होता है. हमें पता है कि हम तीन dimensions की बात करते हैं. What are three dimensions? What are these three dimensions? We know that we have a coordinate system which is called Cartesian coordinate system. Three perpendicular lines, three perpendicular axes. कौन कौन से? X axis, Y axis और Z axis. ऐसा है ना? मैं यहाँ पर draw करके check कर लेते हैं हम लोग. भाई let's suppose मैं यहाँ पर एक coordinate system बना देता हूँ. ये रहा X axis और ये रहा Y axis और ये रहा Z axis. जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं किसी भी मोशन की, अलोंग एक्स एक्सिस हो, अलोंग वाई एक्सिस हो या अलोंग जेड एक्सिस हो, तो प्रैक्टिकली क्या होता है भाई? देखें, बहुत आसान सी बात है. मैं अगर बात करूं आपसे, अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करता हुआ जा रहा हूं, ऐसे मूव करता हुआ जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं मूव कर रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस. सिंपल, ठीक है. मैं एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा हूं. इसी तरीके से लेट सपोज मैं किसी लिफ्ट में हूं, लिफ्ट में हूं या एलिवेटर में हूं, और वो लिफ्ट मुझे लेकर जा रही है ऊपर की तरफ, मुझे किसी हायर फ्लोर पे जाना है, किसी टॉप फ्लोर पे जाना है. तो मैंने देखा यार बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं स्टेप्स के साथ नहीं जा सकता, सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकता, तो एक काम ही करते हैं लिफ्ट में जाया जाए, ठीक है ना. लिफ्ट में खड़ा हो गया मैं और वो लिफ्ट मुझे लेकर ऊपर की तरफ जा रही है. तो अब मैं अगर लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाऊंगा, इसका मतलब मैं कवर कर रहा हूं वाई एक्सिस, प्रैक्टिकली हो गया, है ना. सो अप मोशन, डाउन मोशन मतलब वाई एक्सिस हो गई, हॉरिजॉन्टल मोशन ये हो गया एक्स एक्सिस. और इसी तरीके से अगर मैं इसी रूम के अंदर लेट सपोज आपकी तरफ आता हूं, ना एक्स पर मूव करूं ना मैं वाई पर मूव करूं, बल्कि मैं मूव करके लेट सपोज ऐसे आता हूं बाहर की तरफ. ये देखो मैं बाहर की तरफ आ रहा हूं, बाहर की तरफ आ रहा हूं, बाहर की तरफ आ रहा हूं. इसको मैं कहूंगा ये कहलाता है जेड एक्सिस. तो तीन एक्सिस आपके पास हो गए प्रैक्टिकली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. समझ रहे हैं बात? चले भाई, अब एक काम ही करते हैं. ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है. लेट सपोज एक बॉडी है जो कि मूव करके गई अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि उसने हॉरिजॉन्टल मोशन करी, उसने सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एक्स एक्सिस को कवर किया, ठीक है. ऐसी मोशन को हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन. ऐसी मोशन जिसमें बॉडीज एक वक्त में किसी भी एक एक्सिस को कवर करती हो, ऐसी मोशन को कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन. एक और बना के चेक करते हैं भाई. लेट्स सपोज वही हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. बॉडी मूव करके गई वर्टिकली, वर्टिकल मोशन किया उसने, तो मैं कहूंगा बॉडी ने कवर किया एक वक्त में सिर्फ वाई एक्सिस. यहां पर एक वक्त में एक्स एक्सिस कवर कर रहा है तो मोशन इन वन डायमेंशन. यहां पर एक वक्त में सिर्फ वाई एक्सिस पर मूव कर रही है, मोशन इन वन डायमेंशन. इसी तरीके से जेड एक्सिस पर भी मूव कर सकती है सिर्फ. ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आ गया जेड एक्सिस. बना देता हूं जेड एक्सिस. बॉडी मूव करके गई ऐसे, तो मैं कहूंगा कि अलोंग जेड एक्सिस मूव करके गई. तो इन तीनों मिसालों के अंदर, इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर बॉडी एक वक्त में कोई भी एक एक्सिस कवर कर रही है, तो सच अ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन. अब जरूरी नहीं है कि बॉडी हमेशा मूव करते हुए कोई भी एक एक्सिस कवर करेगी, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है. बॉडी मूव करते हुए एक वक्त में कोई भी दो एक्सिस भी कवर कर सकती है. कैसे? लेट सपोज मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल दे देता हूं. यह आ गया हमारे पास कॉर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. भाई लेट सपोज ये बॉडी है ना तो x पर गई, ना तो y पर गई, ना z पर गई, बल्कि बॉडी मूव करके ऐसे गई, ऐसे करके मूव करके जा रही है. क्या ये सिर्फ x एक्सिस पर मूव कर रही है? नो. क्या ये सिर्फ y एक्सिस पर मूव कर रही है? नो. बल्कि ये ऐसे ऐसे जा रही है, इंक्लिनेशन के ऊपर ऐसे जा रही है ना. इसका मतलब पता है क्या? ऐसे जाते हुए वो बॉडी आगे भी जा रही है और साथ साथ ऊपर की तरफ भी जा रही है. इसका मतलब ये हो गया कि ये बॉडी एक वक्त में दो एक्सिस पर मूव कर रही है. तो ऐसी मोशन जिसमें बॉडीज एक वक्त में दो एक्सिस कवर करती हो, ऐसी मोशन को हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस. बहुत आसान सा फर्क है, मुश्किल बात तो है ही नहीं, सिंपल सी बात है, समझ रहे? तो अगर बॉडीज एक वक्त में एक एक्सिस को कवर करें तो कहलाती है मोशन इन वन डायमेंशन. बॉडीज एक वक्त में कोई भी दो एक्सिस को कवर करे साइमल्टेनियसली एक साथ, तो ऐसी मोशन कहलाती है मोशन इन टू डायमेंशंस. और अगर बॉडी एक वक्त में
तीनों एक्सिस कवर कर रही हो तो ऐसी मोशन कहलाती है मोशन इन थ्री डायमेंशंस। सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मोशन इन टू डायमेंशंस का। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आपको टाइटल से अंदाजा हुआ होगा कि हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर सॉरी क्लास 11 का टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन। न्यूमेरिकल्स की बात हो, रीजनिंग क्वेश्चंस की बात हो, एमसीक्यूज की बात हो, आपके एंट्री टेस्ट की बात हो, मतलब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोर्शन के अंदर इसका सवाल जरूर आ जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना, बड़ा टॉपिक है, आज ही पूरा टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। सबसे पहली बात मेरी याद रखिएगा वो ये कि मोशन इन टू डायमेंशंस की बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक एग्जांपल होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन टू डायमेंशंस की बेहतरीन एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन भी मोशन इन टू डायमेंशन की बेहतरीन एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल्स में से आती है ये। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल सॉरी मोशन इन टू डायमेंशन। एक काम ही करते हैं, इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशंस। ये मैं डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा आपको, समझ रहे हैं? ये मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। तो आप ये बोल सकते हैं कि मोशन इन टू डायमेंशंस की बहुत सारी एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल है। ठीक है, और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डिस्कस करने जाते हैं, टॉपिक बन गया है ना। इसमें हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसकी कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, कंडीशंस के बाद इसकी कुछ डेरिवेशंस हैं, वो डेरिवेशंस करनी है हमें, समझ रहे हैं? बड़ा एक टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आगे चलते हैं। मैं हमेशा की तरह आपको इसकी डेफिनेशन अभी नहीं बता रहा, समझ रहे हैं? इसकी डेफिनेशन को मैं आपको लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, एग्जांपल्स को चेक करते हैं। चले भाई, सबसे पहले काम ये करता हूं, मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। ये आ गया हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस, और ये दूसरा आ गया वाई एक्सिस। क्योंकि मोशन इन टू डायमेंशन है तो जेड एक्सिस को बनाने की जरूरत ही नहीं आपको, हमें कोई भी दो एक्सिस बनाने हैं, मतलब एक प्लेन है। टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वन प्लेन। ओके जनाब, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। अब मैं काम ही करता हूं, मैं आपको कौन सी एग्जांपल दूं, लेट सपोज अच्छी सी मिसाल देता हूं। हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, मैंने क्या किया, उस बॉल को जमीन पर रखा और मैंने उस बॉल को किक किया। अच्छा, किक मैंने ना तो उसको हॉरिजॉन्टली किया, किक ना तो मैंने उसको वर्टिकली किया, बल्कि उसको किसी सर्टेन एंगल पर किक किया, मतलब 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा। अब चेक करते हैं, ऐसा अगर मैं करूंगा तो होना क्या चाहिए। तो ये देखें भाई, एक फुटबॉल रखी हुई थी, ये रही, ये फुटबॉल रखी हुई है, ठीक है, जिसको मुझे किक करना है, और मैंने इसको किक किया इस डायरेक्शन में, समझ रहे हैं? अब आपको पता है, जब मैं इस फुटबॉल को किक करूंगा इस डायरेक्शन में, मतलब जब ये एंगल थीटा बनाएगी, तो ये बॉल मूव करके कुछ तरीके से जाएगी, मतलब ये बॉल मूव करके ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और फिर वापस नीचे आ जाएगी, समझ रहे हैं? ऐसा ही होगा। आप में से कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, नहीं सर ये मोशन नहीं होगी। आप करके देख लीजिएगा, हजार बार करें, लाखों दफा करें, जब भी किसी बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन एंगल पे फेंकोगे तो हमेशा वो ऐसे ही जाएगी, मतलब वो बिल्कुल ऊपर जाती नहीं रहेगी, बल्कि वो नीचे की तरफ ऐसे कर्व पाथ कवर करके आ जाएगी, समझ रहे हैं? अब आगे चलते हैं भाई। देखो, मैं आपके सामने दो कंडीशंस रखता हूं, ये बॉल हॉरिजॉन्टली भी गई, ये बॉल वर्टिकली भी गई, मतलब इसने दोनों डायमेंशंस एक साथ कवर करी, आगे भी जा रही है और साथ साथ ऊपर भी जा रही है, साथ साथ नीचे भी आ रही है, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एट द सेम टाइम ये दोनों मोशंस कर रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी और वर्टिकल मोशन भी। चलें आगे चलते हैं डिस्कशन को लेकर। जब ये बॉडी, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूं, जब इस बॉडी को आप किक कर देंगे ड्यूरिंग मोशन, आपको पता है इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी। काश कि आप लोग मेरी फिजिकल क्लासेस में होते तो मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखता और मुझे आंसर्स मिलते। मैं 5-10 मिनट के अंदर डिस्कशन में लगाता हूं अपने फिजिकल क्लासेस में स्टूडेंट्स के सामने, मैं क्वेश्चन रख देता हूं कि भाई मैं पूछता हूं कि मुझे जल्दी से बताओ कि हाउ मेनी फोर्सेस शुड एक्ट ऑन द बॉडी, ऑन द बॉल, जब ये बॉल मूव करते हुए जारी होगी ऐसे, तो बताओ ड्यूरिंग इट्स मोशन इस पर कितनी फोर्सेज लगनी चाहिए। तो स्टूडेंट सोचते हैं और मुझे फटाफट से जवाब दे देते हैं, 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगता है, कोई तो बहुत जल्दी देता है सर ये और ये फोर्स लगेगी। तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपसे मेरी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा क्या कि जब ये बॉल मूव करते हुए जाएगी तो इस बॉल पर दो फोर्सेस लगेंगी,
एक तो वो फोर्स है जो कि इसको ऊपर जाने से रोक रही है और वापस नीचे लेकर आई, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो हमेशा कहां पर एक्ट करती है, ऐसे डाउनवर्ड। इसका मतलब इस बॉडी पर वर्टिकली एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आ गई पहली फोर्स। दूसरी फोर्स, जब आप इसको किक करेंगे ना, जब ये आगे जा रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है इस बॉडी की, इस बॉल की मोशन को ओपोज किया जाएगा और उस फोर्स को हम कहते हैं एयर फ्रिक्शन। भाई हवा है हर जगह, मैं बॉल को किक करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है जब वो मूव करते हुए जाएगी तो क्या उधर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, क्या वहां पर एयर फ्रिक्शन नहीं होगी, लाजमी होगी, सिंपल सी बात है। सो नाउ देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल। नंबर वन इज वर्टिकल, वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड दैट फोर्स इज वॉट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। एंड सेकेंड फोर्स इज वॉट, ओपोजिट टू द मोशन। बॉल आगे जा रही है और इसको पीछे की तरफ ओपोज किया जा रहा है, एंड दैट फोर्स इज वॉट, एयर फ्रिक्शन। एक काम ही करते हैं, इन दोनों फोर्सेस को यहां पर मैं लिखता हूं आपके सामने। देखें भाई, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कौन सी फोर्स मैंने आपको बताई, अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास जो फोर्स लग रही है दैट इज एयर फ्रिक्शन, ठीक है। और अलोंग वाई एक्सिस जो हमारे पास फोर्स लग रही है दैट इज वॉट, क्या बताई मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटी। ये आ गई ग्रेविटी, ठीक है। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल मोशन पर इफेक्ट डाल रही है और एक फोर्स इसकी वर्टिकल मोशन पर इफेक्ट डाल रही है, सिंपल सी बात है। अच्छा आगे चलते हैं। देखो मैं यहां पर थोड़ा सा जिक्र करता हूं आप लोगों से एयर फ्रिक्शन का। देखो एयर फ्रिक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बड़ी खराब चीज है, इसको खराब समझा जाता है एयर फ्रिक्शन को। कैसे, लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें मैंने बॉल डाली, वो बॉल को शूट करेगा, बॉल को लॉन्च करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सब कुछ सेट कर दिया, मैंने बॉल को लॉन्च किया, बॉल गई 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 और जाके पर्टिकुलर किसी बॉडी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पॉइंट पर जाके उसने हिट कर दिया, ठीक है। लेट सपोज एयर फ्रिक्शन अगर है तो, दोबारा मैंने बॉल को डाला, फिर मैंने उसको हिट किया। आपको पता है जब भी मैं बॉल को हिट करूंगा मुझे अलग अलग रिजल्ट्स मिल लेंगे, कभी बॉल आगे चली जाएगी, कभी बॉल पीछे गिर जाएगी, कभी बॉल हवा से उधर चली गई, कभी बॉल हवा से उधर चली गई, क्या हो रहा है ये तो मेरे लिए मसला हो गया। मैं तो कोई एक कॉन्क्लूजन नहीं दे पा रहा कि बॉल किसी एक पॉइंट पर जाकर गिर रही है, ये तो मसला खड़ा हो गया हमारे लिए। क्यों, क्योंकि वहां पर एयर फ्रिक्शन मौजूद है, एयर फ्रिक्शन उसकी मोशन को रोक रहा है, अपोज कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। तो हम पता है क्या करते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हुए एयर फ्रिक्शन को कर देते हैं निग्लेक्ट, समझे बात। तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे तो लाजमी है हमें एयर फ्रिक्शन को हटाना पड़ेगा, लाजमी है कि हमें एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एयर फ्रिक्शन के होते हुए हमारे वो रिजल्ट्स नहीं आते कभी भी, एयर फ्रिक्शन के होते हुए। सो हमें क्या करना है, इस एयर फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं निग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, हमने इसको कर दिया निग्लेक्ट। इसका मतलब अब इसके पास हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई फोर्स नहीं है, समझ रहे हैं भाई। दो फोर्सेस थी ना, मैंने आपको बताई, एक वर्टिकल है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है वो ग्रेविटी है, और एक हॉरिजॉन्टल थी मतलब बॉडी आगे जा रही है, बॉल आगे की तरफ जा रही है, मतलब देखो ऐसे ऐसे आगे की तरफ जा रही है ना, तो उसकी मोशन को आगे जाने से रोक रही थी कौन, एयर फ्रिक्शन, हमने इसको हटा दिया, समझ रहे, ताकि हमें रिजल्ट एक ही मिले हमेशा। तो एयर फ्रिक्शन को आपने हटा दिया लेकिन ग्रेविटी अभी भी एक्ट कर रही है। चले भाई ग्रेविटी है क्या, ग्रेविटी इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स। आपको पता है फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी, और एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब भी बॉडी में एक्सेलरेशन होगी इसका मतलब उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, समझ रहे हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्स एक्सिस को बात करते हैं। भाई एयर फ्रिक्शन थी लेकिन हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब अब एक्स एक्सिस पर यानी कि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जब मैं कहूंगा कि फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो नो एक्सेलरेशन, बल्कि मैं खामी कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं जीरो एक्सेलरेशन, ऐसा है, जीरो एक्सेलरेशन। और आपको पता है अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो क्या, ये मत बोलना जीरो एक्सेलरेशन इसका मतलब जीरो वेलोसिटी, नहीं जीरो वेलोसिटी नहीं, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो मैं लिखूंगा अगर एक्स एक्सिस पर फोर्स नहीं है
हॉरिजॉन्टली उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगी, जीरो होगी। और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गई ना, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। अब आप फर्क देख लें दोनों एक्सिस पर कितना बड़ा फर्क आ गया, हॉरिजॉन्टली नो फोर्स तो नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन मींस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यानी कि जब आप इस बॉल को किक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली एक ही वेलोसिटी के साथ आगे जाती रहेगी, और जब आप इसको किक करेंगे तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करने की वजह से उसमें लाजमी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होगी। और पता है ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी वाली होती है, जी वाली होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लाजमी एक्सेलरेशन होगी। और एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही होगी, ऊपर जाते हुए स्लो होते रहना और नीचे आते हुए फास्ट होते जाना। तो भाई यहां पर आ गया एक छोटा सा कॉन्क्लूजन, एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी को आप लॉन्च करें किसी भी सर्टेन एंगल पर, उसके बाद वो कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मूव करे और एट द सेम टाइम इट फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ऐसी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लिखूं इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखते हुए मैं आपको मजीद समझाता हूं क्या डेफिनेशन लिखेंगे। सच अ मोशन इन विच अ बॉडी इज थ्रोन एट a certain angle, अच्छा सर्टेन एंगल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए कि जो थीटा है ये थीटा 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, तब ही मोशन इन टू डायमेंशन होगी। पहली बात, ये मोशन इन टू डायमेंशन होना जरूरी है, अगर आपने इसको जीरो पे हिट किया तो ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगी, ये मोशन इन टू डायमेंशन तो रहा ही नहीं। अगर आपने इसको 90 पर हिट किया तो भी ये वर्टिकल मोशन हो जाएगी, सिर्फ मोशन इन टू डायमेंशन हो जाएगी। तो लाजमी है एंगल जो है वो 0 डिग्री से ग्रेटर हो और एंगल 90 डिग्री से कम हो, समझ रहे। तो सच अ मोशन इन विच अ बॉडी इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल एंड एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इन सच अ वे दैट इट मूव्स, अब मैं ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करता हूं, it moves with constant horizontal velocity and at the same time it moves freely under the action of gravity, under the action of gravity is called projectile motion. This is a complete definition of projectile motion. बहुत आसान सी बात, ये बात लिखी हुई, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। और वर्टिकल वेलोसिटी बार बार चेंज होगी क्योंकि ग्रेविटी को आप माइनस थोड़ी करेंगे, ग्रेविटी को हटा दो तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बचेगी नहीं, भाई ग्रेविटी को हटाओ, सोचो जरा, तो इस बॉडी को जब किक करोगे तो ये तो बॉल जाती रहेगी और जाती रहेगी, इसको नीचे लेकर आने वाली तो चीज है ना, वो कौन है, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी है तो ये इस पाथ पर मूव करेगी, अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये मूव ही नहीं कर सकते ऐसे, इसका मतलब आप ग्रेविटी को माइनस नहीं करेंगे तो इट मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो भाई ज़हनों में अपने आप बिठा लो, एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, वाई एक्सिस पर फोर्स है तो उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होगी। डेफिनेशन पढ़े क्या लिखी हुई है, सच अ मोशन इन विच अ बॉडी इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल
in such a way that it moves with constant horizontal velocity. Horizontal velocity ka constant hona, and at the same time it falls, yeah, it moves freely under the action of gravity. It moves freely under the action of gravity. Upar jaate hue rokna, niche lekar aana, ye kya hai? Ye gravity ka kaam hai. Such a motion is called projectile motion. उम्मीद करता हूं आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. अब याद रखिएगा, जब तक मैं इस टॉपिक में कनेक्ट हूं, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं, ये चीज आपने याद रखनी है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कांस्टेंट होना, मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए ये बात. आप बोलेंगे सर एक बात को आपने दिमाग पका दिया आपने बोल बोल के, लेकिन मैं कहूंगा बार बार ताकि आप लोग ध्यान में बिठा लें. कोई आपसे पूछे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है तो आपको वीडियो सामने आ जाए, सर ने बहुत दफा बता दिया था हमें. वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कांस्टेंट होना और वर्टिकल वेलोसिटी का बार बार चेंज होना. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कांस्टेंट होना और वर्टिकल वेलोसिटी का बार बार चेंज होना, ऐसी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. समझ आई बात? चलें आगे चलते हैं. इसकी मिसाल देखें, इसकी एग्जाम्पल्स चेक करें. एग्जाम्पल्स, हाँ भाई, एग्जाम्पल्स में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं भाई. ये भी तो एग्जाम्पल है हमारे पास. A football kicked by a player, लिख देते हैं इसको यहां पर. A football kicked by a player, ये आ गई मिसाल. एक और लिख लेते हैं, A missile shot from a gun. ओके, आपके पास एक मिसाइल हो, उसको शॉट करते हैं ना टारगेट के ऊपर. आर्मीज, रेंजर्स, ये जो होते हैं हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं, लॉन्च करते हैं तो वो मिसाइल जाता है ऐसे करके और वो इसी पाथ के ऊपर जाके हिट करता है टारगेट को. तो अब मिसाइल शॉट फ्रॉम अ गन. ओके, देन वी हैव नंबर 3. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट thrown from a certain height. An object thrown from a certain height. अच्छा, ये कौन सी मिसाल है मैं आपको बताऊं. लेट सपोज हमारे पास एक सरफेस हो, ठीक है, ये रही एक सर्टेन हाइट, ठीक है, h हाइट यहां से लेकर यहां तक. भाई मैं किसी फ्लोर पे खड़ा हुआ हूं, ऊपर जमीन से ऊपर हूं, सरफेस से ऊपर हूं, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, छत पे खड़ा हूं यहां पर. लेट सपोज ये रहे और यहां पर एक बॉडी रखी हुई, ये रही. मैंने क्या किया, इस बॉडी को ऐसे ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, और मुझे पता है कि मैं क्योंकि ऊपर हूं, फ्लोर पर हूं, तो ऑब्वियस बात है जब मैं इस बॉडी को ऐसे फेंकूंगा तो वो ऐसे जिंदगी भर तो सीधी नहीं जाएगी ना, वो ऐसे जाते जाते नीचे चली आएगी. यानी कि वो कर्व्ड पाथ को फॉलो करके नीचे चली जाएगी. कब? आप जब उसको हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे. तो लेट सपोज अगर मैं इस बॉडी को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकूं तो इसका मतलब ये बॉडी ऐसे हमेशा नहीं जाएगी, ये ऐसे मूव करते 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 कहां जाएगी, ये नीचे की तरफ आ जाएगी. इसको और इसको मैच करके देखो, अगर मैं इस वाली मोशन को आधा कर दूं तो क्या ये नहीं बन गई? देखो बन गई ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है. समझ रहे हैं? अब आप बोलेंगे सर इन दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या फर्क होता है. देखें, ऐसी मोशन को, ऐसी प्रोजेक्शन को हम कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन. ये देखें, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं. ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये वाली जो प्रोजेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक. अगर आप किसी भी बॉडी को किसी सर्टेन एंगल पर लॉन्च कर रहे हैं, सर्टेन एंगल पर, तो वो कंप्लीट पाथ फॉलो करेगी. ऐसी प्रोजेक्शन को, ऐसे प्रोजेक्ट करने को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, जिसमें एंगल आएगा. और ऐसी प्रोजेक्शन जिसमें आप बॉडी को किसी सर्टेन एंगल पर नहीं, किसी हाइट से फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्शन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, समझ रहे हैं? ये वाली प्रोजेक्शन कौन सी है? ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है. इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन दो किस्म की होती है. एक होती है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर एंगल आ जाएगा, और एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसमें एंगल नहीं आएगा. अब इनकी कंडीशंस डिफरेंट होती है, उन कंडीशंस को भी मैं आपको बताता चलूं. एक और बात, आगे चलते हैं भाई. देखो बहुत आसान सी बात है, डिस्कशंस कर रहे हैं तो यहां पर सारी बातें डिस्कस करेंगे. जो रास्ता, ये पाथ है, ये देखो ये पाथ, रास्ता, ये पाथ है, समझ लो, ये जो रास्ता इसने फॉलो किया, मैंने जो डॉटेड लाइन से बनाया, ये रास्ता फॉलो करेगी जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया. प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी जो रास्ता फॉलो करती है, जो पाथ फॉलो करती है, उस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री.
लिख देता हूं मैं यहां पर, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री, इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, समझ रहे हैं। और पता है ट्रेजेक्ट्री की जो शेप होती है, शेप क्या हमें पता है, लेट सपोज मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊं, ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर क्या सवाल कर रहे हैं आप हमसे बच्चों वाला, तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये शेप हम पढ़ते आए, इसको हम कहते हैं सर्किल। आपसे पूछो वहां पे बताओ अगर सारी साइड्स बराबर हो इसको हम क्या बोलते हैं, सर स्क्वायर कहते हैं। ऐसा तो मत करें हमारा मजाक उड़ा रहे हैं आप, नहीं नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं आपको कुछ शेप्स बता रहा हूं। इसी तरीके से लेट सपोज हमारे पास होता है एक रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्रीज, तो सच अ शेप इज कॉल्ड रेक्टेंगल। फिर हमारे पास पैरेललोग्राम होता है लाइक दिस, ये पैरेललोग्राम आ गया, समझ रहे हैं। तो ये शेप्स हमें पता है, आपको पता है एक शेप ये भी होती है, ये भी एक शेप है, इस शेप को हम मैथमेटिक्स में पता है क्या बोलते हैं, पैराबोला। जैसे इट इज सर्किल, इट इज स्क्वायर, इट इज रेक्टेंगल, इट इज पैरेललोग्राम, ट्राइंगल होता है, ओवल होता है, एलिप्स होता है, इसी तरीके से एक शेप होती है जिसको हम कहते हैं पैराबोला। तो याद रखिएगा इस रास्ते का नाम तो ट्रेजेक्ट्री है, इस पाथ का नाम तो ट्रेजेक्ट्री है, लेकिन ये किस शेप की है, पैराबोलिक शेप की है, विच इज, आगे कंटिन्यू करता हूं, विच इज पैराबोलिक, विच इज पैराबोलिक इन शेप, इन शेप। आ गई बात, समझ आई बात। तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन की अभी तक आपने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के बाद इसने आपने पढ़ा कि जो रास्ता फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, भले वो कंप्लीट वाला हो भले वो हॉरिजॉन्टल वाला हो, इस रास्ते का नाम हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। रास्ते का नाम क्या है, ट्रेजेक्ट्री। मैं यहां पर पाथ के साथ लिख देता हूं, इट इज व्हाट, इट इज ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और इस ट्रेजेक्ट्री की जो शेप होती है वो क्या होती है, पैराबोलिक, ये शेप का नाम है, ठीक है। आपने हो सकता है पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स के अंदर, एक होता है कप अप, क्यों बनाते हैं ना आप लोग, एक होता है कप अप, एक होता है कप डाउन, एक होता है कप राइट, एक होता है कप लेफ्ट, ऐसे करके पैराबोला बनता है ये। तो हमारे पास यहां पर जो कंडीशन बनती है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में, हमेशा कप डाउन होता है, मतलब इसका मुंह नीचे की तरफ होता है, कुछ ऊपर की तरफ भी होते हैं, इक्वेशंस का फर्क आ जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बॉडी या प्रोजेक्टाइल रास्ता फॉलो करती है वो हमेशा किस शेप का होगा, वो हमेशा हमेशा पैराबोलिक शेप का होगा। आगे चलते हैं जनाब, आगे चलने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, देखें भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट के साथ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी नॉट, यानी कि वी नॉट जब भी लिखा हुआ आएगा तो समझ जाना ये बात कर रहे हैं हम किसकी, इनिशियल वेलोसिटी की। और आपको पता है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि एक सर्टेन एंगल बना रही है, तो जब भी कोई वेक्टर किसी भी हॉरिजॉन्टल या किसी भी लाइन के साथ एंगल बनाता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, लेट सपोज ये आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ए, इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, एक मिलेगा ए एक्स और एक आपको मिलेगा ए वाई। यानी कि जब भी किसी वेक्टर को जो एंगल बना रहा हो इसको आप जब भी रिजॉल्व करेंगे सो यू विल गेट टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड द सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। चलें जनाब इसके भी हम रेजोल्यूशन करते हैं। ये अगर वेक्टर वी नॉट है, वी नॉट का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा अलोंग एक्स एक्सिस जिसको हम कहेंगे वी नॉट एक्स, और एक मिलेगा अलोंग वाई एक्सिस जिसको हम कहेंगे वी नॉट वाई। सो नाउ इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय वी नॉट एंड इट्स टू कॉम्पोनेंट्स, नंबर वन वी नॉट एक्स, नंबर टू वी नॉट वाई, समझ रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वी नॉट एक्स, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। v नॉट x का नाम क्या हो गया, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। भाई अगर सिर्फ v नॉट होगा तो समझ जाना है इनिशियल वेलोसिटी है, बस इसकी बात कर रहे हैं, v नॉट की बात कर रहे हैं। और अगर v नॉट x होगा तो समझ जाना है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, x आ गया तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल। तो बताओ मुझे v नॉट y का नाम क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर v नॉट y का नाम होना चाहिए इनिशियल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। सिंपल, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी,
देन वी नॉट वाई का नाम क्या हो जाएगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। आपको पता है हमारे पास एक्स कॉम्पोनेंट का और वाई कॉम्पोनेंट का फॉर्मूला भी होता है। तो भाई जब आप एक्स कॉम्पोनेंट की बात करते हैं तो एक्स कॉम्पोनेंट का मतलब होता है कॉस थीटा, है ना। मैंने एक टॉपिक अपलोड किया हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, चैप्टर टू क्या वेक्टर्स के अंदर ना, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जब आप वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं तकरीबन टॉपिक्स के अंदर इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। देखो यहां पर भी एप्लीकेशन आ गई, आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना आना चाहिए। कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे ये कॉस थीटा आ जाता है, पूरी की पूरी वीडियो अपलोड की हुई है मैंने बहुत डिटेल के अंदर। नहीं पता तो पहले वो पढ़ लो ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो आपको क्लियर हो जाएगा यहां पर कॉस थीटा कैसे आया। जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा उनको समझ आ रही होगी बात। सो एक्स कॉम्पोनेंट के साथ आता है वी नॉट कॉस थीटा और वाई कॉम्पोनेंट के साथ क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन थीटा। समझ रहे हैं। तो जनाब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब आप बॉडी को थ्रो करते हैं एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, और इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, एक होगा वी नॉट एक्स और एक होगा वी नॉट वाई, इनिशियल हॉरिजॉन्टल और इनिशियल वर्टिकल। फिर आप बोलेंगे सर व्हाट अबाउट फाइनल वेलोसिटी, तो भाई फाइनल वेलोसिटी को हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ वी के साथ, सिर्फ वी फॉर फाइनल वेलोसिटी। फिर इस v के भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा vx, एक हो जाएगा vy। चलें भाई एक काम ही करते हैं, मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट करता हूं। भाई मैंने बॉल को किक किया तो बॉल थोड़ी देर के बाद यहां पर आ जाएगी, ठीक है, बॉल थोड़ी देर के बाद यहां पर आ जाएगी, बॉल थोड़ी देर के बाद यहां पर आ जाएगी, बॉल थोड़ी देर के बाद यहां पर आ जाएगी। इसका मतलब हमने इस बॉल की डिफरेंट पोजीशंस बना दी। जब ये बॉल इनिशियल कंडीशन पे है तो आप कह रहे हैं इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है वी नॉट एक्स, एक है वी नॉट वाई। जब बॉल यहां पर होगी तब भी तो इसके पास दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। समझ रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसको आप कहेंगे वी नॉट एक्स, यहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसको भी आप कहेंगे वी नॉट एक्स, यहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे v not x, और यहां पर भी जो horizontal component होगा इसको हम क्या बोलेंगे v not x। मतलब body का आगे जाने वाला जो component है, horizontally जाने वाला जो component है उसको हर point पर हम क्या बोलेंगे v not x। क्यों हर point पर same है, definition पढ़ लो, definition में क्या पढ़ा था, constant horizontal velocity। तो horizontal velocity हर point पर same रहेगी क्योंकि वो तो change नहीं होगी, ये तो बात मैंने आपको डेफिनेशन में बताई अभी थोड़ी देर पहले। समझ रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की वजह से हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वाली वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स एंड वी नॉट एक्स। फिर अब बात करते हैं वर्टिकल, क्या वर्टिकल भी सेम रहती है, नो, वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज इट मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। समझ रहे ना, तो ग्रेविटी की वजह से उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होगी। तो जनाब अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल पर v नॉट y है तो आपको पता है इधर v नॉट y नहीं होगी, इधर होगी सिर्फ v y, और यहां पर तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, पता है क्यों नहीं बनाऊंगा, यहां पर हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू जीरो। मैं बताता हूं अभी आपको वी वाई इज इक्वल टू जीरो क्यों है। अगेन जब यहां पर आ जाएगा तो वर्टिकल इसकी वेलोसिटी कहां की तरफ हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। जब यहां पर होगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कहां हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी वी वाई। अब आप नोट करें वर्टिकल वेलोसिटी पहले थी, इनिशियली थी वी नॉट वाई, थोड़ी देर के बाद हो गई वी वाई, फिर खत्म हो गई, नहीं है, फिर डाउनवर्ड है। तो फर्स्ट हाफ मोशन में वेलोसिटी अपवर्ड अपवर्ड होगी और सेकेंड हाफ मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। अच्छा अब सवाल पैदा ही होता है वाई यहां पर वी वाई जीरो क्यों है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा भाई, जब प्रोजेक्टाइल जो है ना अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, टॉप मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक जब पहुंचती है ना, उस पॉइंट पर वो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाना और नीचे जाना रोक देती है। समझ रहे हैं। कब, जब बॉडी कहां पर होगी, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी। तो जब भी बॉडी अपनी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो उसकी वर्टिकल वाली वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए जीरो हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, डेरिवेशन में काम आएगा आगे, मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा, जब डेरिवेशन करवाऊंगा तो आपको बोलूंगा हाँ भाई याद करें ये मैंने आपको बताई थी बात। तो क्या बोलेंगे आप, वर्टिकल वेलोसिटी सिर्फ एक पॉइंट पर जीरो हो जाती है, और वो कौन सा पॉइंट है, टॉप मोस्ट, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, बीच में बिल्कुल यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल थोड़ी जीरो होगी, हॉरिजॉन्टल तो हर पॉइंट पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। भाई हॉरिजॉन्टल का जीरो होने का मतलब क्या, वो बॉडी वहां जाके रुक गई, हवा में रुक गई, बीच में स्टक हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं, वो बॉडी आगे की तरफ जो जा रही होती है लेकिन वो ऊपर नीचे जाना रुक जाती है, आगे की तरफ जा रही है, मतलब ये देखो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, ऊपर पहुंची
थोड़ी देर के लिए ऊपर नहीं जाएगी लेकिन आगे जाती रहेगी, फिर वापस नीचे आना स्टार्ट करेगी. सो एट द हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम्स जीरो. नोट कर लें, याद कर लें, हिफ्स कर लें, मेमोराइज कर लें, कुछ भी कर लें, याद कर लें इस बात को. क्या? एट द हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स जीरो. यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, हर पॉइंट पर होगी सिवाय इस पॉइंट के. और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स. एंड वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस. यहां तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं. आगे हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या करनी है, देखो कुछ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. फॉर्मूला क्या डिस्कस करते हैं, मैं यहां पर दो कॉलम्स बना देता हूं, कॉलम्स के बल्कि कॉलम की जगह तो नहीं है, मैं यहां पर दो हेडिंग्स डाल देता हूं. एक हेडिंग में डालता हूं हॉरिजॉन्टल मोशन की, एक मैंने हेडिंग डाली हॉरिजॉन्टल मोशन की, और इसी के थोड़ा सा नीचे में डाल देता हूं यहां पर वर्टिकल मोशन की. वर्टिकल मोशन, भाई जब हम मोशन को डिस्कस करते हैं ना, तो मोशन से रिलेटेड तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. समझ रहे हैं? तो भाई सबसे पहले लेट्स सपोज मैं यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखता हूं. डिस्प्लेसमेंट का वैसे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है वो दो होते हैं आपके सामने. एक होता है, मैं पहले लिखवा देता हूं, ये देखो, एक होता है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, और एक होता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर. ये दो फॉर्मूला होते हैं डिस्प्लेसमेंट के. अब इन दोनों में से एक फॉर्मूला मुझे हॉरिजॉन्टल के लिए यूज करना है और एक फॉर्मूला मुझे वर्टिकल के लिए यूज करना है. अब मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि इनमें से कौन सा वाला फॉर्मूला मुझे हॉरिजॉन्टल के लिए यूज करना है, कौन सा वाला वर्टिकल के लिए यूज करना है? कोई मुश्किल बात नहीं है, कॉमन सेंस यूज कर लो, कॉन्सेप्ट यूज कर लो, डेफिनेशन देख लो. हॉरिजॉन्टल की बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, नो इनिशियल, नो फाइनल, नो एक्सेलरेशन. इसका मतलब आपने हॉरिजॉन्टल में हमेशा वो वाला फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जिसमें कभी भी ए वाला फैक्टर नहीं होगा, जिसमें कभी भी जी वाला फैक्टर नहीं होगा, जिसमें कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होगी. कब? जब आप हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे. तो आप बात समझ आई? इसका मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, S इज इक्वल टू V इंटू टी. और वर्टिकल मोशन के लिए कौन सा यूज करूंगा, V आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर. चले भाई इसको यूज करते हैं. सबसे पहले मैं कह देता हूं, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले, ओके, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू V इंटू टी. तो मैंने यहां पर यूज किया S इज इक्वल टू V इंटू टी. चले भाई थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये तो चैप्टर थ्री का फॉर्मूला है ना, फर्क क्या रह जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में और उसके अंदर, तो थोड़ा सा फर्क करते हैं. वो ये कि हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स के साथ. प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कौन से एक्सिस पर होती है, एक्स एक्सिस पर. सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स. और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, चेक कर लो हर पॉइंट पर क्या है, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स. इसका मतलब जहां पर वी आ रहा है उस वी की जगह आ जाएगा वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम. ये बन गया पहला फॉर्मूला, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का, एस की जगह एक्स, वी की जगह वी नॉट एक्स. चलें भाई वेलोसिटी की बात करते हैं. नंबर टू, वर्टिकल वेलोसिटी. वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं हम लोग. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आपको पता है हॉरिजॉन्टल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रही. चेंज नहीं होने का मतलब पता है क्या हो जाएगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ही इनिशियल वेलोसिटी होगी. बस सिंपल सी बात है. तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो फाइनल वही इनिशियल, क्योंकि कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं आएगा. जितनी इनिशियल होगी हमेशा हमेशा उतनी ही फाइनल होगी. इसकी वजह से अब जो लास्ट कंडीशन आ रही है वो आ रही है एक्सेलरेशन की. नंबर थ्री, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. आपको पता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से उस बॉडी की एक्सेलरेशन हो जाती है जीरो. यानी कि कौन सी एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्स वाली एक्सेलरेशन. तो तीन बातें आ गई, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की. ओके जनाब, सबसे पहले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अच्छा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की जब आप बात करेंगे तो याद है मैंने यहां पर दो फॉर्मूला लिखे थे, तो इनमें से अब वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें ए आता है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी थी. इसका मतलब वो फॉर्मूला कौन सा वाला था, एस
is equal to VIT plus 1 upon 2 GT square. चेंज करते हैं, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल मोशन को, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को एस की बजाय एक्स से शो किया, तो हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करेंगे? कैपिटल वाई के साथ शो करेंगे, है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पर है, वर्टिकल मोशन वाई एक्सिस पर होती है. इज इक्वल टू, हाँ भाई, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इनिशियल वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किससे शो करते हैं? वी नॉट के साथ. तो ये जो वी आई आ रहा है, इस वी आई को रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? वी नॉट के साथ. और वी नॉट के साथ छोटा सा लगा दें वाई, क्योंकि वर्टिकल मोशन है. साथ में आ गया टाइम एज इट इज माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर. ये बन गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला. आप बोलेंगे सर माइनस क्यों आ गया? एक बात ध्यान में रखिएगा, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जी की वैल्यू हमेशा हमेशा नेगेटिव होती है. ये पता है क्यों नेगेटिव होती है? ये इस वजह से नेगेटिव होती है, लेट सपोज मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, अगर इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा, फर्स्ट हाफ तक बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन ऊपर है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी की वजह से फर्स्ट हाफ में जी की वैल्यू नेगेटिव. अब आप बोलेंगे सर सेकेंड हाफ में तो ऐसा नहीं हो रहा, सेकेंड हाफ के अंदर तो अब वो नीचे आ रही है, अब तो वो डाउनवर्ड है, तो फिर क्यों नेगेटिव है? मैंने आपको कहा थ्रू आउट द मोशन. अब मैं आपको बताऊं, देखो हर वो फैक्टर जो कि इनिशियल वेलोसिटी के ओपोजिट होता है ना, हर वो फैक्टर होता है नेगेटिव. तो देखो फर्स्ट हाफ में, यहां तक मैं यहां की बात कर रहा हूं, इस फर्स्ट हाफ के अंदर क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने की वजह से जी की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, समझ रहे, अगेंस्ट द ग्रेविटी. और सेकंड हाफ में क्योंकि अब वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे, यानी कि इस पे जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी कहां की तरफ एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड एक्ट कर रही है. अब आप चेक करो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां है? अपवर्ड. और ग्रेविटी की डायरेक्शन कहां है? डाउनवर्ड. तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए. तो यहां पर भी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. हर वो फैक्टर जो कि इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है, इनिशियल वेलोसिटी के, हर उस फैक्टर को हम नेगेटिव कहते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन में ऑपोजिट नहीं था, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेविटी की वजह से माइनस जी, और सेकेंड हाफ फैक्टर में इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि अपवर्ड थी और जी हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो ये हो गया अपोजिट कंडीशन. तो अपोजिट कंडीशन की वजह से यहां पर क्या आ गया? माइनस जी. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जी की वैल्यू हमेशा हमेशा नेगेटिव, तो इसी वजह से यहां पर देखें क्या आ गया? माइनस जी टी स्क्वायर. आगे चलते हैं, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट. अब बात करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी की. नंबर टू, वर्टिकल वेलोसिटी ठीक है, ओके. वर्टिकल वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे ना, ओके. फाइनल वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला जो पढ़ रखा है, मैं आपके सामने वो रखता हूं. Vf is equal to Vi plus Gt. First equation of motion. इसको चेंज कर देते हैं. मैंने अभी आपको बताया कि हम projectile motion में final velocity को किससे show करते हैं? V से. इसका मतलब इस Vf की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ V आ जाएगा. और V के साथ आप लगा दें Y. क्योंकि कौन से axis पर है? Vertical. Y axis पर. Is equal to. अभी मैंने आपको बताया initial velocity को हम represent करते हैं V naught के साथ. तो ये जो V आया है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा V naught Y. और minus Gt. याद है अभी मैंने आपको बताया जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है. तो ये बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन की वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला. कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी. रह गई बात नंबर थ्री, एक्सेलरेशन की. नंबर थ्री कौन सी एक्सेलरेशन? वर्टिकल एक्सेलरेशन. ओके, जब वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, इट मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. यानी कि हर पॉइंट पर इसके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी? 9.8. इसका मतलब इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन उतनी ही होगी जितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है. फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो हमेशा कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का जीरो होना, वर्टिकल एक्सेलरेशन का ग्रेविटी जितना होना, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कांस्टेंट होना और वर्टिकल वेलोसिटी का बार बार चेंज होना, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. समझ आई बात जनाब? ये था ट्रेलर, ये था इंट्रोडक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन का. यू कैन नाउ सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. समझ रहे हैं? तो अभी तक मैंने आपके सामने जो डिस्कशंस करी हैं, ये सारी की सारी डिस्कशंस कौन सी हैं? सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि हाँ भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं. समझ रहे हैं? अब मैं आपको लेके चलता हूं इसकी मेन कंडीशन की तरफ, द डेरिवेशंस, जो हमें डेरिवेशंस इसकी करनी है. ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशंस की तरफ.
डेरिवेशंस कैसे हैं? सबसे पहले काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन की यहाँ पर डायग्राम। बाय लेट सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। हमने एक बॉडी को जिसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं उस बॉडी को हिट किया, लॉन्च किया एक पर्टिकुलर एक सर्टेन एंगल पर, जिसकी वजह से जब वो मूव करके जाएगा तो वो पैराबोलिक पाथ कवर करके और वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल के अंदर, हमने डिस्कस किया इसको। ओके, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, चार फिजिकल क्वांटिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उन चार में से दो टाइम्स हैं, यानी कि वक्त, टाइम। कौन से दो टाइम? देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल जब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता है, ये बताया ना मैंने, टॉप मोस्ट सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, इसको हम कहते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी कि टी। सबसे पहला फॉर्मूला हम जो ड्राइव करेंगे वो कौन सा करेंगे, किसी भी प्रोजेक्टाइल को अपनी मैक्सिमम हाइट टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होना चाहिए ना। फॉर्मूला कहां से आएगा? ड्राइव करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। समझ रहे? अच्छा, मैक्सिमम हाइट दे देखो, ये मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्सिमम, यहां से लेकर यहां तक दिस इज मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। एक और टाइम होता है, वो टाइम यहां तक का नहीं होता, वो टाइम होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल टाइम। तो इसका मतलब जब बॉडी अपने कंप्लीट करने लगेगी जर्नी, तो उस जर्नी को कंप्लीट करने में जो उसको टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, कैपिटल टी। यानी कि दो टाइम आ गए, एक टाइम आ गया हाइट तक पहुंचने का, कौन सी, मैक्सिमम हाइट तक, एक टाइम आ गया टोटल। ये हो गई दो डेरिवेशंस। तीसरी डेरिवेशन हम लोग करेंगे इसकी, मैक्सिमम हाइट, यानी कि अगर आपने कैलकुलेट करना हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की ज्यादा से ज्यादा हाइट कितनी हो सकती है, वो कितनी हाइट अटेन कर सकती है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो भाई सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे ये वाला, सेकेंड फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे ये वाला, थर्ड फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे ये वाला, और फोर्थ फॉर्मूला जो हम ड्राइव करेंगे वो करेंगे, एक और फैक्टर होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये वाला फैक्टर। यानी कि बॉडी हॉरिजॉन्टली कितना दूर जाके गिरी, मतलब मैं किसी भी बॉडी को किक करूं, किसी बॉडी को फेंकूं, लॉन्च करूं, तो मैं ये चेक करूंगा वो कितनी दूर जा रही है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है हॉरिजॉन्टली, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल की रेंज, कितना दूर जाके गिर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और फोर्थ फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का। आगे चार डेरिवेशंस, सो दो फॉर्मूला टाइम के और एक फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का और एक फॉर्मूला रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं नंबर वन, एंड द नंबर वन फॉर्मूला इज फॉर व्हाट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूले की डेरिवेशन। ओके जनाब, अगर मुझे टाइम का फॉर्मूला डिराइव करना हो तो टाइम के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए मुझे यहां पर एक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और वो इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन सबसे पहले मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी, याद करो वहां लिखवाया था मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन, ये किया था ना हम लोगों ने, तो उन दोनों मोशन के अंदर वर्टिकल मोशन वाला फॉर्मूला क्या था, ये था ना, क्यों वर्टिकल वाला यूज किया, क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जब हाइट का जिक्र आ गया तो वर्टिकल वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वर्टिकल वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला यूज किया, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। जनाब मैं आपको एक बात बता चुका हूं पहले, उसको याद करो, वो बात मैंने क्या बताई थी, जब भी बॉडी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो क्या, याद करो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर वहां पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है जीरो, बताई थी ना मैंने, इस पॉइंट पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। इसका मतलब इस वर्टिकल वेलोसिटी की जगह आप क्या पुट करेंगे, ये आ गया जीरो इज इक्वल टू, हां भाई अभी बताया मैंने यहां पर डेरिवेशन में, जब हम एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं तो कॉस थीटा आता है, और वाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है, माइनस जी टी।
भाई टाइम का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो जी टी वाला फैक्टर माइनस का यहां पर आके प्लस का हो जाएगा. सो जी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, ये बन गया. और फाइनली टी फाइंड करना है तो जी मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके डिवाइड करेगा. सो टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी. ये बन गया पहला फॉर्मूला. कितना आसान डेरिवेशन थी. वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया और दो इस तीन स्टेप्स के अंदर आपने आंसर निकाल लिया. इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी अपॉन जी. अब करते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला ड्राइव. उस दूसरे वाले फॉर्मूले को हमने क्या कहा है, टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी कि टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल. चलो भाई हेडिंग डालता हूं मैं नंबर टू, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल सेकेंड डेरिवेशन. और ये तो सबसे आसान ये वाली डेरिवेशन है इन चारों के अंदर, सबसे आसान सबसे छोटी डेरिवेशन. मैं आपको बताऊं उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है. देखो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में बॉडी को जो टाइम लग रहा है उसको आपने कहा ये रहा, यानी कि टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी. मतलब मैं कहूंगा बॉडी अगर यहां से यहां तक पहुंचेगी तो कितना टाइम लेगी, टी टाइम लेगी. और एक बात और ध्यान में रखिएगा, बॉडीज अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लेती है ना उतने ही टाइम में वो वापस रिटर्न हो जाती है ग्राउंड तक. तो टाइम टेकन बाय द बॉडीज टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम टेकन बाय देम टू रिटर्न टू द ग्राउंड. जितना टाइम ऊपर पहुंचने में उतना टाइम वापस नीचे आने में, समझ रहे ना. तो इसका मतलब अगर यहां से लेकर यहां तक इसने टी टाइम लिया तो यहां से यहां तक आने में भी कितना टाइम लेगी, टी टाइम लेगी. तो अगर मुझे टोटल फाइंड करना हो तो मैं दोनों को प्लस नहीं कर दूंगा, बिल्कुल कर देंगे. सो टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो भाई टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू टी प्लस टी. टोटल है यहां तक का जिसमें दो टी आ रहे हैं, एक हाइट तक पहुंचने का और एक वापस नीचे आने तक का. तो टी प्लस टी ये बन गया वो. अब जब हमें पता है कि दो फैक्टर जब ऐड होते हैं तो टू आ जाता है ना, ये बन गया टू टी. फाइनली आप क्या करें, टू टी का फॉर्मूला पुट कर दें. स्मॉल टी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी. तो टू के साथ क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन थीटा ओवर जी बन गया. इसमें तो बल्कि डेरिवेशन ही नहीं है कोई, कॉन्सेप्ट यूज करके आपने फॉर्मूला बना लिया, समझ रहे हैं. अब इन दोनों फॉर्मूला को नोट करो क्या फर्क है. सिर्फ इतना फर्क है कि एक फॉर्मूले में टू आ रहा है और एक फॉर्मूले में टू नहीं आ रहा. जिस फॉर्मूले में टू आएगा इसका मतलब वो डबल है, जिस फॉर्मूले में टू आएगा इसका मतलब वो ट्वाइस है. ट्वाइस वाला कौन सा होगा, टोटल वाला होगा, समझ रहे हैं. और हाइट तक पहुंचने वाला कौन सा होगा, विदाउट टू वाला होगा. आसान है, बाकी फैक्टर तो सेम है, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी तो सेम है दोनों के अंदर, सिर्फ टू लगेगा और टू नहीं लगेगा. तो याद करने की ट्रिक क्या है, जिसमें टू आ रहा है इसका मतलब वो डबल है, जिसमें टू आ रहा है इसका मतलब वो ट्वाइस है. और ट्वाइस कौन सा वाला होगा भाई, टोटल टाइम वाला होगा. जनाब आपने दो फॉर्मूला ड्राइव कर लिए हैं, एक कर लिया टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट वाला, एक हमने कर लिया टोटल टाइम वाला. नाउ इट्स टाइम टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट. सो नाउ लेट्स राइट द हेडिंग, क्या, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, या बस सिंपल मैक्सिमम हाइट, इसका हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है. अच्छा अब हाइट की बात करते हैं. हाइट डिस्प्लेसमेंट ही होती है ना, हाइट हो, लेंथ हो, डिस्टेंस हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, वेवलेंथ हो, ये सब क्या है, ये सब मीटर्स में होते हैं. डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, तो हाइट भी क्या है, हाइट भी तो डिस्प्लेसमेंट है ना. और आपको पता है ये हाइट कौन से वाले डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये हॉरिजॉन्टल ही होती है, आप बोलेंगे नहीं सर. क्या ये वर्टिकल होती है, आप बोलेंगे यस सर. यानी कि मैक्सिमम हाइट क्या है, इट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैक्सिमम हाइट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल. और याद करो अगर मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वहां पर कोने पे पीछे करके देख लो क्या फॉर्मूला लिखवाया था, वी नॉट वाई टी माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर.
याद है? इसका मतलब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बनाना है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डिराइव करना है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि हाइट होती ही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर है। समझ रहे हैं? चलो अभी फैक्टर्स चेंज करते हैं। यहां पर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने कहा मैक्सिमम हाइट, तो मैं वाई की जगह पता है क्या पुट कर दूंगा? पहले एक काम ही करते हैं, यहां पर मैं आपको चीजें बता देता हूं। चीजें क्या भाई? आपने यहां पर वाई की जगह पर पुट करना है मैक्सिमम हाइट का सिंबल, पहला। दूसरी चीज, आपने यहां पर वी नॉट वाई की जगह पुट करना है वी नॉट साइन थीटा, दूसरी चीज। अब आपने यहां पर जो टी आ रहा है, आपने यहां पर टी का यानी कि टाइम का फॉर्मूला पुट करना है। अब सवाल पैदा ये होता है कि मैं टी का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा या टी का ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। चलो कर दिया कंफ्यूज आप, वरना सोच लेते स्मॉल टी था तो हो सकता सर ये वाला फॉर्मूला यूज करते, नहीं मैंने तो इसको भी स्मॉल टी कर दिया, टाइम है। अब बताओ, अब थोड़ा सोचने का मौका मिल गया आपको, है ना भाई? हम यहां पर वो वाला टी का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके नाम में ये आता हो, मैक्सिमम हाइट आता हो, और वो ये टोटल टाइम वाला नहीं है, वो कौन सा वाला है? ये वाला, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब इस वाली डेरिवेशन में जहां टी आएगा उस टी की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ रहे हैं? तो इसको एक काम ही करते हैं, दोबारा मैं कैपिटल टी कर देता हूं, क्योंकि ये रीजन नहीं था कि स्मॉल टी आ रहा है तो स्मॉल टी का फॉर्मूला यूज करेंगे। रीजन ये है क्योंकि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हो तो टाइम भी कौन सा वाला होगा? मैक्सिमम हाइट वाला होगा। तो जनाब पुट करते हैं, टी का फॉर्मूला क्या पुट करोगे आप लोग? वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो आपने ये तीनों कंडीशंस को इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। कैसे पुट करना है चलें भाई देखें। सबसे पहले वाई की जगह क्या आ जाएगा? एच मैक्स, ये आ गया एच मैक्सिमम इज इक्वल टू, हां भाई, वी नॉट वाई की जगह क्या आएगा? वी नॉट साइन थीटा, मल्टीप्लाई के अंदर टाइम है, टाइम की जगह क्या आएगा? वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। आगे कौन है? माइनस, माइनस एज इट इज, उसके बाद कौन है? 1 अपॉन 2 एज इट इज, उसके बाद जी एज इट इज, उसके बाद दोबारा टी आ गया तो इसका मतलब टी का फॉर्मूला, और वो टी का फॉर्मूला क्या? वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, और टी पर स्क्वायर है, इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले के ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देखें डेरिवेशन मुश्किल थोड़ी होती है, डेरिवेशन तो बल्कि बहुत कमाल की चीजें होती हैं अगर आप उसको समझ जाओ। नहीं समझोगे तो तंग करेंगी, याद करना पड़ जाएगा, नहीं समझोगे तो, समझ गए गई तो मजा आएगा, दिल करेगा सॉल्व करो ज्यादा, नई नई ट्रिक्स अप्लाई करोगे। ऐसे होता है तो ऐसे भी होता होगा, ये होता है कॉन्सेप्ट्स के साथ। समझ रहे हैं? चलें खैर, मैंने इन सारी कंडीशंस में इनकी कंडीशंस को पुट कर दिया, अब सिंप्लीफाई करना बाकी है बस। भाई सिंप्लीफाई करते हैं कैसे? सबसे पहले इधर देखें, इसको तो मैं सेम लिख देता हूं, मैक्सिमम हाइट सेम है, इज इक्वल टू, ये देख रहे हैं माइनस के साइड वाला फैक्टर, वी नॉट इंटू वी नॉट क्या बनेगा? वी नॉट स्क्वायर, ये आ गया वी नॉट स्क्वायर। साइन इंटू साइन क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी ए के, तो जी को सिंपल रहने दो, जो दो दफा थे उनको स्क्वायर कर दिया, फिर आ गया माइनस 1/2 जी सेम, इस स्क्वायर पे सब पे कर देते हैं, ये स्क्वायर वी नॉट के ऊपर भी आ जाएगा, ये स्क्वायर साइन के ऊपर भी आ जाएगा, और ये स्क्वायर जी के ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट ब्रैकेट पर स्क्वायर था तो ये ब्रैकेट के स्क्वायर का मतलब ये तीनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो अब आप क्या करेंगे? जी से स्क्वायर को कैंसिल, तो क्या बचेगा? एच मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2, जी तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा हुआ है? 1/2 के बाद वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो सिर्फ क्या बच गया? जी बच गया। जनाब अब लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होगा मैं आपको बता दूं। इधर देखें, इस फैक्टर को नोट करो, इस फैक्टर को नोट करो, बिल्कुल सेम है, इस फैक्टर के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब वन है, इस फैक्टर के साथ नंबर कौन है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ। ये फैक्टर कंप्लीट है क्योंकि इसके साथ वन है, वन हम लिखते नहीं है ना, वन है, ये गौर से सुनना भाई, ये फैक्टर कंप्लीट है क्योंकि इसके साथ वन है, ये फैक्टर आधा है क्योंकि इसके साथ 1/2 है। जब मैं कंप्लीट फैक्टर में से माइनस कर दूंगा आधे फैक्टर को तो क्या आधा नहीं बचेगा? मतलब ये कुछ इस तरीके से, अगर मैं कंप्लीट ए में से माइनस कर दूं आधे ए को तो 1/2 ए नहीं बचेगा क्या? ये कंडीशन यहां पर अप्लाई करेंगे, आसान कर दूं मैं आपके लिए, वरना आपको यहां पर एलसीएम लेना पड़ जाता,
एलसीएम से भी हो जाता, सेम आंसर होता, लेकिन ट्रिक क्या, कंप्लीट में से माइनस कर दो हाफ तो हाफ बच जाएगा, बाकी फैक्टर सेम रहेगा। तो भाई देखें, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी में से माइनस कर दो हाफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा, हाफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, बन गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, है ना, मुश्किल नहीं था। आपने थर्ड भी डेरिवेशन कर ली मैक्सिमम हाइट, इसको लिखने का एक तरीका और भी है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, सिंपल ऊपर चेक करो, वन है ना, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी और टू को एक साथ लिख दो टू जी, ऐसे भी लिखते हैं इसको, एक ही बात है, दो फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, वन अपॉन टू भी करके लिख सकते हो और टू को नीचे जी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। लास्ट डेरिवेशन, और वो लास्ट डेरिवेशन किसकी आ गई, प्रोजेक्टाइल कितना दूर जाके गिर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, नंबर फोर एंड द लास्ट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, नंबर फोर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। भाई रेंज क्या होती है, कैसे डिफाइन करोगे, हाइट क्या होती है, हाइट के बारे में आपने क्या कहा, मैक्सिमम हाइट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो रेंज क्या कहोगे, रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, सो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट थी, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज किया था, तो यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करूंगा, और वो भी मैं आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, दिस वॉज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं, जैसे मैंने यहां पर इसका डेटा बनवाया था ना, एक काम ही करता हूं, उसका भी डेटा बनवा देता हूं कि आप फैक्टर्स क्या क्या पुट करने जा रहे हैं हियर। हां भाई, एक्स को हमने कहा ये प्रोजेक्टाइल की रेंज है, देन आगे चलते हैं, वी नॉट एक्स, एक्स कॉम्पोनेंट का मतलब होता है वी नॉट कॉस थीटा, देन टी, इस बार में टाइम का कौन सा फॉर्मुला यूज करूंगा, क्या इस बार में ये वाला फॉर्मुला यूज करूं, क्या इस बार में ये वाला फॉर्मुला यूज करूं, और अगर आप सिंबल्स में अटक गए थे तो आपको नजर आएगा स्मॉल टी, तो आप बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मुला गलत। जब हम रेंज की बात करते हैं, रेंज का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, टोटल टाइम का, इसका मतलब मैं टोटल टाइम वाला फॉर्मूला यूज करूंगा अब, तो क्या बनेगा टी का फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला है ये लिखा हुआ ऊपर, टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, ये बन गया डेटा। इन फैक्टर्स को इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो भाई पुट करके चेक करते हैं, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू वी नॉट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी की जगह क्या आ जाएगा, टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। सिंप्लीफाई करते हैं, जिस तरीके से इसको हाइट वाले फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई किया था, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं रेंज वाले फॉर्मूले को। हां भाई, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, इसको डिस्कस करते हैं। जो सेम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वी नॉट इंटू वी नॉट क्या बनेगा, वी नॉट स्क्वायर, सो रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। ओके, अब क्या बचेगा, टू है, साइन थीटा है और कॉस थीटा है, इनको एज इट इज लिख दो, क्या बनेगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में कौन आ गया, अपॉन में जी एज इट इज आ गया। यहां पर एक आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं, और वो आइडेंटिटी पता है क्या है, हम बोलते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन टू थीटा के, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द आइडेंटिटी जो आप 10th क्लास की बल्कि उससे पहले भी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, प्रूव करते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है भाई, साइन 2 थीटा का, तो हम इसको पुट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये बन गया फॉर्मूला। चार फॉर्मूला आ गए, मैं काम ही करता हूं, इन चारों फॉर्मूला को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देता हूं। पहला फॉर्मूला ये रहा, इसको हमने कहा नहीं बल्कि ये तो दूसरा है ना, मैं नीचे हाईलाइट करना भूल गया, ये रहा
First formula ye raha, time to reach the maximum height. Second formula ye raha, total time. Third formula ye raha, maximum height of the projectile. Maximum height of the projectile. Fourth formula ye raha, range of the projectile. Total four formula. चारों के चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं. डेरिवेशन चेक करो कितनी आसान है. किसी भी एक डेरिवेशन में आपको कोई मसला हुआ हो, उम्मीद करता हूं नहीं मसला हुआ होगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है. ऐसे नहीं बस ड्राइव किए जा रहे हैं, ड्राइव किए जा रहे हैं, ये यहां पर यूज कर लिया, क्यों यूज कर लिया, ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज कर लिया, क्यों कर लिया, हर चीज मैंने आपको बताई है. और ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये तक मैंने आपको बताया. तो मुश्किल नहीं है, हर चीज आसान है अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं तो. वरना हर चीज मुश्किल है. किसी को दिखा दो, ये बोर्ड दिखा दो अभी, जिसको नहीं पता हो ना प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन क्या है, बिठाओ बीच में, दिखाओ ये सर ने क्या पढ़ाया आपको, उसका दिमाग घूम जाएगा, चक्कर आ जाएंगे उसको, वो क्या लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, क्या हाइट वाइट, ये इतने सारी इक्वेशंस क्या है ये. और अगर आप शुरू से कनेक्ट थे मेरे साथ और अगर आप पढ़ेंगे बोलेंगे सर इट इज वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है, तो फर्क होता है कॉन्सेप्ट का, और कुछ नहीं है. ओके, यहां पर एक हेडिंग डालता हूं मैं, मैक्सिमम रेंज. अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, भाई मैंने इसको लॉन्च किया 30 डिग्रीज पर, ठीक है, मैंने इसको लॉन्च किया 45 डिग्रीज के ऊपर, मैंने इसको लॉन्च किया 60 डिग्रीज पर, तो आप नोट करें इन तीनों एंगल्स में सबसे ज़्यादा दूर जाने वाला एंगल कौन सा है. तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्रीज है ना, 30 डिग्री पे करीब गिर गया, 45 पर सबसे ज्यादा दूर गया, 60 पर भी करीब गिर गया. इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये कि जब भी आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्रीज पर लॉन्च करेंगे ना, इट विल अटेन इट्स मैक्सिमम रेंज. सबसे ज्यादा रेंज होती ही 45 डिग्रीज पर है. तो पता है यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 डिग्रीज. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज में भी आता ही है, बेसिक क्लासेस होती है ना उसमें एमसीक्यूज में आता ही है कि बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होती है. तो आपने टिक करना है 45 डिग्रीज पर. 45 से कम होगा तो भी रेंज कम, 45 से एंगल ज्यादा होगा तो भी रेंज कम हो जाएगी. सबसे ज्यादा दूर जाके कब गिरता है, 45 डिग्रीज के ऊपर. अब आप नोट करें, जब मैं इस 45 डिग्रीज को मैं वर्बली करवा रहा हूं, डायरेक्ट यहां पर आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा, जब मैं इस एंगल की जगह क्या पुट करूंगा 45, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैक्सिमम रेंज की. अब मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम रेंज की, ये आर के साथ लग जाएगा मैक्सिमम रेंज. ओके भाई, जब मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूंगा तो मेरे जहन में फौरन आ जाएगा एंगल 45 डिग्रीज है. जब हम मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए एंगल 45 डिग्रीज गिवन है. ओके, अब मैं काम ये करता हूं, इस थीटा की जगह क्या पुट करूंगा 45. चलो 2 को 45 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा एंगल 90 डिग्री, है ना भाई. 2 को 45 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में ना ये क्या बनेगा 90 डिग्री. और आपको पता है साइन 90 डिग्री बराबर किसके होता है, 1 के होता है. इसका मतलब जब हम मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे तो ये साइन वाला फंक्शन क्या हो जाएगा 1, और जब ये 1 के बराबर हो जाएगा तो सिर्फ पता है क्या बचेगा, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी. रेंज के दो फॉर्मूला, एक है सिंपल रेंज का फॉर्मूला एट एनी एंगल, एट एनी एंगल अदर देन 45 डिग्रीज, और एक है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला. आसान हो गया, जब वर्ड मैक्सिमम आ जाएगा ना रेंज के साथ तो समझ जाना आपको एंगल गिवन है 45 डिग्रीज. दोबारा बता रहा हूं, जब एंगल 45 आ जाए, सॉरी जब वर्ड मैक्सिमम आ जाए तो समझ जाना कि एंगल आपको 45 डिग्रीज गिवन है. तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करना, सिर्फ आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, समझ रहे हैं. तो ये बन गया मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला. एक चीज और चेक करें, 30 डिग्री और 60 डिग्रीज पर दोनों पर नोट करो रेंज बिल्कुल सेम है ना. ऐसा ही होता है, किसी भी दो डिफरेंट एंगल्स पर रेंज बिल्कुल सेम होती है. और वो तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं. तरीका ये होता है कि देखो 30 में और 45 में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 15, ठीक है, मतलब मैं कहूंगा 45 में से 15 को माइनस कर दो तो 30 आ जाएगा, और 45 में 15 को प्लस कर दो, मतलब ये कुछ इस तरीके से, ये देखो 45 में प्लस कर दो 15 तो ये बनेगा 60, और 45 में से माइनस कर दो 15 तो ये कितना बनेगा 30.
यानी कि जितना अमाउंट ज्यादा उतना ही अमाउंट कम, किससे? 45 से। तो जो आंसर्स आएंगे ना उन दोनों एंगल्स पर रेंज हमेशा बिल्कुल सेम होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं? तो देखें यहां पर एक पॉइंट में लिख देता हूं, वो ये कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम एट 2 डिफरेंट एंगल्स, इक्वल अमाउंट विच आर इक्वल अमाउंट ग्रेटर एंड लेस देन 45 डिग्रीज, यानी कि जितना अमाउंट 45 से कम उतना ही अमाउंट 45 से ज्यादा, तो इन दो एंगल्स पर रेंज क्या होगी? सेम होगी। देखें देखें 15 का फर्क आ रहा है, 15 अमाउंट ज्यादा, तो 45 प्लस 15 कितना बन गया? 60। 15 ही अमाउंट कम 45 से, तो क्या बन गया? 30। इसका मतलब 30 पर और 60 पर रेंज क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी, समझ रहे हैं? तो किसी भी दो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रेंज क्या होती है? सेम होती है। और वो तरीका क्या फाइंड करने का? इक्वल अमाउंट ग्रेटर एंड लेस देन 45 डिग्रीज। तो जनाब दिस वॉज ऑल अबाउट फाइनली प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इसकी डेरिवेशंस करी, डेरिवेशंस करने के बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिनमें ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। कौन से दो पॉइंट्स? रेंज का मैक्सिमम होना 45 डिग्रीज पर, और दूसरा पॉइंट किसी भी दो एंगल्स के ऊपर रेंज हमेशा बिल्कुल सेम होती है। किन दो एंगल्स पर? वो दो एंगल्स जो कि 45 से इक्वल अमाउंट ज्यादा हो और इक्वल अमाउंट कम हो, 45 से, 45 हमारा रेफरेंस है, जितना 45 से ग्रेटर उस एंगल पर और जितना 45 से कम इस एंगल पर, इन दो एंगल्स के ऊपर रेंज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको पता था, बहुत सारी बातें आपको पता थी तो रिकॉल हो गई होंगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन को तो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए होता भाई, मैं यहाँ पर मेहनत करके आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो हमारा सिर्फ रिवॉर्ड ऐसे ही हो जाता है कि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, आप लाइक कर देते हैं, आप सबसे बड़ी चीज़ आप इसको शेयर कर देते हैं। इस कॉन्टेंट को, इन वीडियोज को जब आप शेयर करते हैं अपने सर्किल के अंदर, तो हमारे लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड आपकी तरफ से यही हो सकता है, क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं सकता। आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स के अंदर थैंक्स बोल देंगे, सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सर आपने बहुत बहुत अच्छा समझाया। आप कॉमेंट्स में देखते भी होंगे तो आपका थैंक्स मेरे लिए मायने रखता है। उससे ज्यादा चीज जो आप मेरे लिए रिवॉर्ड के तौर पर कर सकते हैं वो क्या? जस्ट टू शेयर माई कॉन्टेंट। आपको मेरी वीडियोस को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सर्किल में फैलाना है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करते हैं। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अब डेली बेसिस के ऊपर नहीं तो कम से कम हर एक दिन के बाद एक वीडियो लाजमी अपलोड किया करूंगा, ठीक है जनाब? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।